हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्किन फैक्ट्स। आज मैं अपना न्यू चैनल लॉन्च करने जा रही हूँ। मेरा जो फोकस है या जो चैनल लॉन्च करने का मकसद है वो तीन पॉइंट्स हैं। एक तो जैसे कि आप लोगों में देख सकते हैं जो कॉमन स्किन प्रॉब्लम है उनके बारे में आम पब्लिक को अवेयरनेस देना, प्लस जो हमारे GPs हैं जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनको कुछ अच्छी गाइडलाइंस देना, और फिर जो हमारे जो ट्रेनीज हैं स्किन के उनको कुछ डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू और ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ गाइड करना। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो रोज़मर्रा बेसिस पे हम तो देखते ही हैं, लेकिन जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं वो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और पेशेंट को मिसट्रीट करते हैं, क्योंकि डर्मेटोलॉजी इज़ अ डिफरेंट फील्ड। तो वो पेशेंट को स्टीरॉयड दे दे के जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उनके हालात काफ़ी ख़राब होते हैं। तो मेरा एक मकसद तो ये है कि जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कुछ गाइडेंस मिले और पेशेंट मिसट्रीट ना हो और जो टर्शियरी केयर हॉस्पिटल पे बर्डन है वो कम हो, और पब्लिक अवेयरनेस कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि आप डिफरेंट वीडियोस में देखेंगे कि हम वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में, वाइटनिंग इंजेक्शंस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ट्रीटमेंट हैं उनके बारे में, जो लोगों के मिथ्स हैं स्किन डिजीज़ के बारे में, उन सब के बारे में मैंने इस चैनल पे वीडियो अपलोड करनी है। तो कॉमन पब्लिक आम लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकते हैं और हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स और ट्रेनिंग्स भी। हेयर प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं इसके बारे में भी, और फिर नेल प्रॉब्लम्स के बारे में पेशेंट बहुत कंसर्नड होते हैं, और स्किन प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट एज ग्रुप लाइक डिफरेंट बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बूढ़ों में क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, टीन एज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, और फिर प्रेगनेंसी में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, परपीरियम में क्या प्रॉब्लम होते हैं, ये सब जो है मैंने अपने इस चैनल पे डिस्कस करने हैं। फिर रीजनल जो प्रॉब्लम है जैसे मुंह के अंदर क्या मसला हो सकता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, आईज़ में क्या प्रॉब्लम होते हैं जो स्किन से रिलेटेड हैं, कानों के अंदर ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं जो स्किन की किसी डिजीज़ से रिलेटेड हैं, या जेनिटेलिया के मेल और फीमेल, या ब्रेस्ट की डिजीज़ जो हैं। फिर जो बहुत आजकल टॉपिक इन है वो स्किन वाइटनिंग क्रीम्स हैं, स्किन वाइटनिंग थेरापीज हैं, और फिर रूटीन स्किन केयर और ड्राई स्किन केयर जो है, ये इन सब के बारे में आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। फिर डिफरेंट टाइप्स के प्रोसीजर्स जो हम स्किन में करते हैं लाइक कॉटरी है, क्रायोथेरापी है, केमिकल पील्स हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं डिफरेंट जो स्किन की कंडीशंस है वो सब मैंने लाइव प्रोसीजर्स भी आपको दिखाने हैं, और ये भी बताना है कि इस प्रोसीजर के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं। तो ये आपको उस सूरत में पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। फिर आजकल जो एस्थेटिक और कॉस्मेटिक का जो दौर दौरा चल रहा है लाइक लेजर्स हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, PRP का बहुत सुना होगा आपने, माइक्रो नीडलिंग, हाइड्रा फेशियल, हाइफो, ये सब कुछ जो है ना इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। फिर जनरल प्रैक्टिशनर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो देखें, क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइव प्रिस्क्रिप्शन डिस्कस करनी है, जैसे कि इनमें से अगर लेट्स से अगर एक मेलास्मा का पेशेंट या छाइयों का पेशेंट आया तो हम उसको क्या क्या ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकते हैं, उनके ट्रेड नेम और उनके जेनरिक नेम, ताकि उनको पेशेंट को एडवाइस करने में कोई मुश्किल ना हो। फिर जो पोस्ट ग्रेजुएट हमारे ट्रेनी हैं उनके लिए मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई हैं जो कि मैं वक्तन फवक्तन मैंने अपलोड करनी है वीडियोस, लाइक डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्राइब कैसे करते हैं लीजन्स को, केस प्रेजेंटेशंस हैं, स्नैरियोज हैं, MCQs हैं, स्किन एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, हम लॉन्ग केस कैसे प्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट केसेस कैसे प्रेजेंट करते हैं, और डर्मेटोलॉजी पेशेंट का अप्रोच कैसे करना है, और लेक्चर्स भी होंगे और ई बुक भी
डर्माटोलॉजी में, वो भी मैंने इस पे अपलोड करनी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और वीडियो भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब इट एंड कमेंट इफ़ यू नीड हेल्प एंड कॉन्टैक्ट इफ़ यू नीड अपॉइंटमेंट। थैंक यू।